हेलो दोस्तों, रीडर्स बुक शॉप में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बुक थिंक एंड ग्रो रिच। तो आइए शुरू करते हैं नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से, मतलब कि सोचिए और अमीर बनिए। तो बात ऐसी है कि लेखक एक छोटे बच्चे थे जब एंड्रयू कार्नेगी जी ने उन्हें एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल ने इसे 20 सालों तक ढूंढते रहे और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस तो किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहते हैं कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार है। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे ही आसानी से नहीं हो सकता, आपको इसके लिए कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा। और इस किताब में आप ये जानेंगे कि सक्सेस पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब से शुरुआत करनी है। वैसे हाँ, ये सच भी है कि कोई भी सफलता पा सकता है, लेकिन सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे एक्चुअली में फॉलो करेगा। तो इस किताब के हर चैप्टर में वह 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इंसान इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी और सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज अमीर लोगों से जान सकते हैं। और जैसे जैसे आप 13 स्टेप्स पार करेंगे उस सीक्रेट के आप करीब आते जाएंगे, तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि जो मौका आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ को बदल करके रख देगा। नेपोलियन हिल ने इस सीक्रेट का एक क्लू भी दिया है कि सबकी तरक्की और अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। तो क्या आप जानते हैं पहले स्टेप के बारे में, जो है इच्छा, यानी कि डिजायर। यह शब्द सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारे इच्छाएं आने शुरू हो गई होगी। तो इच्छाओं को पूरा करने की बात की जाए तो इस स्टेप को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये, जब आप किसी को पूरे दिल से चाहते हैं वो हकीकत बन करके आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक धर्म है जिसे मनी कॉन्शियस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना। आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है, यह दिमाग की हालत है यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप पहले से ही खुद को अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। और हम यहां पर 6 स्टेप्स बता रहे हैं जो कि पक्का आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। पहला तो यह है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं सोच लीजिए, लेकिन इसके लिए यह बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा, जैसे कि 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़, जितना भी अमाउंट है फिक्स अमाउंट सोच कर रखिए ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप है कि आपको यह तय करना होगा कि कितना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में कुछ मिलने से रहा। और तीसरा स्टेप है कि वह तारीख, वह डेट डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आप अपने सोचे हुए रकम को पा सकेंगे। और चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे कि आप पैसा कमा सकें। और एक और प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और आपका पांचवा स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें, कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा। यह हर एक चीज एक पेपर पर लिख लीजिए। और आखिर में जो छठा स्टेप है, अपने स्टेटमेंट को एक दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। जी हाँ, अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है, अमीर बनने की इच्छा है, तो आपके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहिए और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। वैसे एक बात याद रखिए, हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले वह एक सपना ही लगता है, राइट। तो यह थी पहले स्टेप में इच्छा यानी कि डिजायर की बात। और आगे दूसरा स्टेप है फेथ यानी कि विश्वास। कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्स में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरे से बुरे चीजें, छोटी से छोटी, सब अपने आप होने लगती हैं। अब देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं, बस हम किस पर यकीन करते हैं वह मायने रखता है। कुछ लोग बिना वजह बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ लोग खुद को गरीबी समझते रहते हैं। अगर हमें यह यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब एकदम साफ है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज हकीकत में होने लगेगी। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे, और ऐसा करके आप एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे कि बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। तो मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और इस बात को माने, खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि तू बहुत गरीब है, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते जो हम बनना चाहते हैं, ना खुद पर यकीन करके ही बन सकते हैं। जैसे विचार
जैसे थॉट हमारे दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। तो एक बार अपने मन में अमीर बनने के ख्याल बैठा लीजिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका यकीन आपके लिए सारे लिमिटेशन को हटा करके आपको सक्सेस दिला देगा। लेकिन इस सफलता को पाने के लिए आपको एक और काम करना होगा और वह है तीसरा स्टेप, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग एक्चुअली में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेंगे। इसीलिए हमें ऑटो सजेशन या फिर सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसीलिए तो कहते हैं आप अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव थॉट से भरकर रखिए और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं, यह कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप हमें पाना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार रहिए। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लीजिए। फिर एक दिन आपकी ही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे कि आपकी सक्सेस एक हकीकत बन जाएगी। तो आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दीजिए। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है और बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। और हाँ, इस कोशिश में कभी भी हार मत मानिए। ये बात समझ लीजिए कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों की बीज डालना शुरू कर दीजिए। और आगे अब बात करते हैं चौथे स्टेप की, जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसे हमें समझने की कोशिश करते हैं इस इंसिडेंट से। तो हेनरी फोर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल्स के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। तो हुआ यूं, वर्ल्ड वार के दिनों में उन्होंने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था क्योंकि अखबार ने उन्हें इग्नोरेंस स्पेसिफिक उदासीन शांतिवाद का करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उनसे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उनके ऊटपटांग सवालों से कोर्ट परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने जवाब दिया कि जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज पढ़ने की क्या जरूरत। फोर्ड की इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी मगर अपने काम की खास नॉलेज जरूर थी। उसे यह मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। तो जो चीज हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आते जब तक कि हम असल जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। और देखा जाए तो किताबी पढ़ाई प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपका किसी खास चीज में इंटरेस्ट है तो आप उसमें शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह से आप उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं जो कि आगे चल करके आपके बिजनेस में काम आ सकती है। और वैसे भी सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होती, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हैं या फुल टाइम जॉब कर रहे हो, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल सकते हो। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है। आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। और अक्सर कंपनीज भी एम्प्लॉयज को रखते टाइम एजुकेशन तो देखती ही है, साथ ही उनकी पर्सनालिटी पर भी गौर करते हैं। आप किस तरीके से लोगों से कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सारी बातें भी देखी जाती है। कोई पढ़ाई को सब कुछ मानकर कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनालिटी जरूर होती है। याद रखिए, जो इंसान स्कूली पढ़ाई को सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वह हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रह जाता है। वह भले ही मुकाम हासिल कर ले मगर सक्सेस तो तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पांचवें स्टेप के बारे में, जो है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना करना। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी से। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास यानी कि उसके पास एक कैटल, एक लकड़ी का पैडल है जिससे कि कैटल में बन रहे ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, वह है और एक मैजिक फार्मूला भी है और इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वह क्लर्क अमीर बन सकता है। इसके लिए उस डॉक्टर को $500 देने होंगे। अब यह सुनकर के उस क्लर्क ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग उस डॉक्टर को दे डाली और $500 में वह तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया क्योंकि इन पैसों से वह डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। अब उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उन तीनों चीजों को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया। उस कैटल में
उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था जिससे कि शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसके वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। इसने साउथ की एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरीके से वह पुरानी कैटल सारी दुनिया में काम आए। और आप जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सर बना था? उसका नाम था कोको कोला। जी हाँ, उस मिक्सर में जो चीज बनी वह कोको कोला थी और जिसने मिक्सर बनाया उस क्लर्क का नाम था आशा कांडला। लेकिन कोको कोला की सफलता की सीक्रेट तीन चीजों का मिक्सर नहीं था, वह थी आशा कैलेंडर की इमेजिनेशन। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। हमें कल्पना करनी होती है ताकि वह हकीकत बन पाए। जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वह सिर्फ आपकी अपनी सोच है। सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कमाल। कोको कोला एक आइडिया पर चला था। आज जो जितनी भी चीजें हैं हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिल सकती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि हर तरह की क्रिटिकल को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। तो इन सब बातों के लिए तैयार रहें, अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए। बिना रुके लगातार इस पर काम करते रहें, इसे असलियत का जामा पहना दीजिए। तभी तो आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह की चैलेंज को झेल पाए और इस तरह के चैलेंज को आप ठीक तरीके से हैंडल कर पाए। उसके लिए जरूरी है छठे स्टेप के बारे में जानना, और छठा स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। मतलब ये कि जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सकें। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर सी बात है कि बदले में आपको कुछ फायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहिए। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक इंसान में हर चीज नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हारमोनी की जरूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखिए कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें। अगर यह वाला भी नहीं चलता तो भी हार ना माने। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान हाथ नहीं लगता या आपको परफेक्ट नहीं लगता। याद कीजिए कि किस तरह से थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी तब जाकर के वह लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए थे। तो बार बार फेल होने के बाद भी ग्रेट इन्वेस्टर बन पाए। और वैसे भी जो हार मानता है वह कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वह कभी भी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले भी आखिर में विनर बनते हैं। वैसे फेल होने का मतलब है कहीं कुछ तो गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होती तो शायद उनका नाम आज किसी को पता ही नहीं होता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इससे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। और इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सातवें स्टेप की तरफ, जो है डिसीजन, यानी कि निर्णय लेना। फोर्ड मोटर्स की मॉडल T1 किसी जमाने में दुनिया की बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी को बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसकी डिजाइन में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल T1 ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसला और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर यह क्वालिटी होती है कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसला करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि देर करने से सिर्फ पैसा और वक्त ही बर्बाद होता है और रिजल्ट कुछ हाथ नहीं आता। तो फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल T1 की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें धीरे धीरे जरूरी चेंजेस करते हैं। वह आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को भी मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आप कुछ फायदा नहीं होने वाला। ज्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देगी, ना कि मोटिवेट करेगी। चाहे वह आपके पक्के दोस्त हो या फिर रिश्तेदार ही हो, क्यों ना हो। सिर्फ मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ काउंसलिंग करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह से सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका बस एक ही है। और अपने ग्रुप के मेंबर्स सोच समझ कर चुने। हम आगे के चैप्टर में मास्टरमाइंड की पावर के बारे में आपको जरूर बताएंगे। हाँ, लेकिन आपके पास खुद का एक दिमाग तो है, आप इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने के लिए जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब यह है कि आपको क्या चाहिए, यह बात आप जानते हैं।
और वैसे भी दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वह उसे हासिल करके ही रहते हैं। तो इसी के साथ अब आगे बात करते हैं आठवें स्टेप के बारे में, जो है परसिस्टेंस, यानी कि बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें। जी हाँ, आखिर कहीं से तो चलना ही होगा, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल को चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, यह जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखिए कि आप इतना काबिल हैं। आपके अंदर वह स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार कीजिए। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, अपने विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। और सबसे पहले जरूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वह कुछ नहीं कर पाता। और वैसे भी कितने सारे लोग हैं जो बड़े ब्रेक के इंतजार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए बड़ा ब्रेक हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स भी तो करने पड़ते हैं, या अचानक से तो मिल नहीं जाते। लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर और खास प्लान से यह मौका पाया होगा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पूछिए ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया। एक बार फिर होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिए। मगर यह हार टेम्परेरी थी। इस बात को भूल गए कि हार का एक ही जवाब है और वह है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाय हमें परखने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारे रुकावटें डाल रही है। हमारी हार हमारे विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही रहेंगे। तो बस यूं ही आगे बढ़ते रहिए। और हम भी आगे बढ़ते हैं नवे स्टेप की तरफ, जो है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले आप अमीर नहीं बन सकते। आपकी नॉलेज सभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकती है ताकि वह आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को हम इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उनकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, और इनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉर्पोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड ने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत ही मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बना रखा था। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़ने लिखने में और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल के बाद वह अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिक फायदे तो है ही, बल्कि मानसिक रूप से भी फायदेमंद है। जब भी दो दिमागी ताकत आपस में मिलती है तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है जो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर तीन दिमाग जितनी ताकत पैदा करती है। तो जाहिर है कि एक ग्रुप में इतने दिमाग होंगे तो वह एक अकेला दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर के कहें तो दिमाग एक अकेले से ज्यादा बेहतर सोच सकता है। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वह मिलकर के किसी भी इंडिविजुअली ज्यादा अचीव कर सकते हैं, वह मिलकर के कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़कर होती है। तो मास्टरमाइंड के बारे में जान लिया, और अब आगे बात करते हैं दसवें स्टेप के बारे में, जो है द मिस्ट्री ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे बड़ी सबसे ताकतवर मोटिवेशन होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपने सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज है और यह इंसान की जरूरत की चीजों में भी शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया जाए तो यह एक डिस्ट्रैक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन हैं, वकील हैं, आर्टिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने इस शरीर के भोग का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और वह महान बने। माइंड को प्रेरित करने के कई तरीके हैं, जैसे कि शराब, ड्रग्स या आपके मन का डर।
लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रांग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वह अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भरा हुआ है और वह एक जीनियस बनकर उभरता है। और वैसे भी जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है, वह पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वह ऊंची उड़ाने लगाता है। सेक्स और खाना हमारी जिंदगी में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन सभी प्रॉब्लम्स को पार करके खुद को आजाद कर लेता है। अब वह अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए की गई तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारे क्रिएटिविटी इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह है। जितना ज्यादा हम उसे यूज करेंगे यह उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज्यादा समझदार और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। एक स्टडी से यह प्रूफ हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें क्रिएटिव आउटलेट की जरूरत होती है। जितने भी गाने, कविताएं या नॉवेल्स हैं उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। आपके अंदर की करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स और आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे आप भी अपने अंदर की पोटेंशियल को क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अपनी सेक्सुअल एनर्जी बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढो जो कि क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहे। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाएं और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। अब आगे बात करते हैं 11वें स्टेप के बारे में, जो है सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन वही वह हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस यह करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखें। धीरे धीरे यह पॉजिटिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बढ़ते चले जाएंगे और यह एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सक्सेस की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सेक्स, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे थॉट्स लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे थॉट्स को ना रखें। कोशिश कीजिए कि यह निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ना आए, लेकिन निगेटिव सोचने से आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास खुद का पर्सनल ज्ञान है जिसके दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि कैसे अमीर बन सकते हैं, हालांकि वह प्लान आपके सबकॉन्शियस मन में बंद पड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले निगेटिव थॉट्स से छुटकारा पाना होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लें और लालच, डर, गुस्सा, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं। अब आगे बढ़ते हैं 12वें स्टेप के बारे में, द ब्रेन। जी हाँ, इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारे सफलता में बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में सोच करके आप अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर के आपकी इमेजिनेशन तक और आपकी असिस्टेंट तक हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेरेबिलिटिक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन नर्व्स पाए जाते हैं। इससे भी मजेदार बात तो यह है कि सारी सेल्स एक खास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज है। नर्व्स सेल्स के अरेंजमेंट का यह तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने के लायक बना। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट के लिए हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। यह बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वह पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर फिर से कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और यह सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर हो सकता है। अगर आप रोज खुद को प्रेरित करने की प्रैक्टिस करें तो अपने नॉलेज और अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। और सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज है अगर आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो। इसीलिए आपस में डिस्कस करें जिसे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएं। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन के पावर का। हमेशा से नए नए आइडिया से प्रेरित करते रहें। जो कुछ भी आपने समरी से सीखा उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपने आदत में शुमार कर लें। आप चाहें तो किसी भी चैप्टर में जाकर
फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं, उन स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराएं जो मनी कॉन्शियस बनाएंगे, तो आप अपने फाइनेंशियल सक्सेस से अब ज्यादा दूर नहीं है। इसी के साथ अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। तो जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक आप सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। यह सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारे क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इन्फिनिटी एंड इंटेलिजेंट से जोड़ती है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिसे हंचस कहते हैं, और ऐसा तब होता है जब हमारे सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने महान लोग हुए हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद, यह सब अपने सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए। तो अपने इन्हीं हंचस से उन्हें कुछ बड़ा करने की मोटिवेशन मिलती रही। यह सिक्स्थ सेंस हमारे मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। यह एक मीडियम की तरह होती है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करती है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल क्रिएटिव आइडियाज देती है, बल्कि कई बार आने वाले खतरों का इशारा भी कर देती है। इन्फिनिट इंटेलिजेंस वह पावर है जो दुनिया की हर चीज के कण यानी आइटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वह शक्ति है जिसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी वजह से ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ी है। हम भी अपनी सिक्स्थ सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनिट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं। जैसा कि सभी जीनियस करते हैं, हम भी अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म में यानी कि हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती हैं। हम अपनी हार या जीत को खुद चुन सकते हैं और अपने सोचने की पावर से सफलता को, सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सक्सेस का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलती जाएगी। आपको सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को और दूसरों को जाने, और आखिर में सक्सेसफुल आदमी इस लॉ ऑफ नेचर और खुशियों की तरीके को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहें इन 13 स्टेप्स पर जाकर इन्हें दोहरा सकते हैं, ताकि माइंड को प्रेरित करने के हाई लेवल को आप पा सकेंगे। अब आपके पास 13 स्टेप्स टू रिचेस है, जिसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि डर को अपने मन से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक आप इसे दूर नहीं करेंगे, यह आपको एक लिमिट में बांध कर रखेगा, और बिना इस डर को जीते अमीरी के राह पर आप पांव नहीं बढ़ा सकते। तो आइए जानते हैं डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते, और वह दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और निगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं, बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, यह आपको तंग करते रहेंगे, कभी हाँ कभी ना, और खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे 6 बेसिक दलों के नाम बता रहे हैं, वह है गरीबी का डर, आलोचना का डर, सेहत का डर, खोने का डर, बुढ़ापे का डर, और आखिरी मौत का डर। तो इनमें से डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में ही यह सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। जी हाँ, यह अच्छी खबर है, इस पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होता है, और वह है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है, वह उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं, वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाती है। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं, तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। यह मानी हुई बात है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी चाहिए। कुछ लोग वाकियों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले और सुपीरियर लगते हैं, ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होती है। वह खुद को लकी और बेहतर समझते हैं, तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं, हाँ वही हम बनते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे, तो उसे दिल पर ना लें। अपने विल पावर को क्रिटिक्स से कमजोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आपने यह कर ही नहीं सकते, कि आप यह कर ही नहीं सकते। क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन बर्बाद ही होगी। यह आपकी कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा, और इंडिविजुअली तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने कानों को बंद कर लीजिए, ताकि आप उनकी बातें ही सुन ना सके। अपने अंदर के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लीजिए जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेजमेंट करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। यह कभी ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यह एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं, तो खुद से प्यार करना सीख लें। जिंदगी में कुछ ऐसा भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियाँ चुने। कहने का मतलब, बस सोचिए और अमीर बनिए। तो इसी के साथ अब समरी यहीं पे समाप्त होती है।